सो फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। पवित्र जो जन्म माह डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत अगस्त संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का जन्म माह सलावतपुरा के अंदर मना रही थी। सुबह से भारी तादाद में संगत आई हुई थी। संगत डेरा से बाहर आ रही है, बाहर आने वाले लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। डेरा के अंदर आज क्या क्या प्रोग्राम किए गए, किस तरह से इन्होंने अपने गुरु सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का पवित्र जन्म माह मनाया। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? मोहाली। मोहाली से आप आए हो। सर, आज हम डेरा सच्चा सौदा की साध संगत जो गुरु जी का जन्मदिन मना रही है, तो किस तरह से आपने अंदर डेरा के अंदर जन्मदिन मनाया गया, क्या क्या अंदर कार्य किए गए? बड़े अच्छी धूमधाम से अंदर मनाया है जी, और सतगुरु जी के जो वचन हैं उन पे चल रहे, और जो अंदर मतलब मानवता भलाई के जो कार्य करते हैं जी, उनके लिए जो बताया गया है भी कैसे मानवता भलाई के काम करने हैं जी, बाहर जाके संगत की कैसे सेवा करनी है जी, जी, जी। और राशन वगैरह जो दिया गया है संगत को जी, और मकान बनाना किसी विधवा का, या ये कार्य जो है मानवता भलाई के वो बताए गए हैं जी। जी जी, बहुत ही सराहनीय काम जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में जो आपने बताया कि किस तरह अपने गुरु जी का जन्मदिन मनाया। और हम देश की बात करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का क्या योगदान है, किस तरह से वो काम करते हैं देश के लिए? देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है जी। देश के लिए जैसे महानगरों की सफाई करना जी, और कहीं पे पानी जैसे बाढ़ आ जाती है वहाँ पे जाके सेवादार, बाढ़ में बड़े बड़े बंद लगाना, जैसे अभी सरसा साइड में हो रहा था काम जी, जी, जी। ऐसे काम साध संगत बहुत ज़्यादा करती है जी, जी जी जी। और ये सारा हजूर पिताजी के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के द्वारा बताए गए जो कार्य है उनके ही, उन पर ही चल के करती है साध संगत। 5 साल के बाद जब गुरुजी पैरोल पर 1 महीने के लिए बनावा आश्रम में आए, तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? उसका बहुत अच्छा, यानी कि 18 लाख या इतना लोगों ने नाम लिया और वो राम नाम के साथ जुड़ गए, और उन्होंने नशे छोड़ दिए और अच्छाई की तरफ बढ़ने लगे। अगर ऐसे ही है वो यहाँ रहेंगे तो पता नहीं देश का कितने और लोग जुड़ेंगे जो अच्छाई करेंगे और अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों को शिक्षा देंगे आगे। तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का इस यहाँ पे जरूरी है, बहुत ज़्यादा लोड है जी। जी जी, सर मैं सुबह से ही नोटिस कर रहा हूँ डेरा के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर भी देखा कि हमारे देश की शान, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा जो है सब लोगों के हाथ में है, सब लहरा रहे हैं, सब ने अपने माथे पर लटका रखा है, अपने घरों में लगाया है। तो क्या मकसद है इसका, क्या मतलब किसके मोटिव से आप आज सब लोग राष्ट्रीय तिरंगा हाथ में लेके आए? ये जब हजूर महाराज जी वहाँ यूपी में आए थे ना जी, उन्होंने ये एक कार्य बताया था कि अपने देश का जो तिरंगा है जी, उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और अपना एक वो समझना है हमें ये भी कि हमारा देश ही सब कुछ है, और देश का जो झंडा है वो तिरंगा है, वो ही हमारे लिए मान सम्मान है जी, जी, और उसकी बहुत अच्छे से अपने दिल के अंदर उसकी भावना कर रखो जी। जी जी, ये संदेश दिया जी। जी जी जी, जी तो बहुत ही सराहनीय काम जो हमारे देश की शान है उसको बहुत सिर मथे जो हम लगा डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत लगा दी, अपने गुरु वचनों पर चलते हुए अपने घरों में जो राष्ट्रीय तिरंगा हमारा घरों में लगा रही है, सल्यूट कर रही है साथ संगत। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, डेरा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के लोग आते हैं? डेरे के अंदर हर धर्म की शिक्षा दी जाती है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है डेरे के अंदर। जो बस साध संगत को यही बताया जाता है कि मानवता की सेवा करो जितनी की जाती है जी, जी। बुराइयों से दूर रहना है और नशों से दूर रहना है, और जो भी बस मिले सेवा करो दूसरे इंसान से, और ना ही कोई नवा धर्म है, अपने धर्म में रहो, अपना कार्य करो, जो भी आप करते हो जहाँ भी आप लगे हुए हो उसमें से ही टाइम निकाल के मानवता की सेवा करना है बस जी, जी। यही सच्चा सौदा में सिखाया जाता है। लास्ट में सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बस हमारी तो यही अपील है, हम तो और कुछ नहीं कर सकते, गरीब आदमी हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी है उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और जो सच्चाई है उसको देखा जाए,
और जो मानवता भलाई के काम हैं लोगों को, गरीबों, बहुत गरीबी है देश के अंदर जैसे, और ऐसे काम करने की आगे से आगे वो गाइड करें और आगे से आगे देश में बढ़ता चला जाए ये कारोबार। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ थे सर, जो कि मोहाली से यहाँ सलाबतपुर आश्रम में आए, अपने पवित्र गुरु, अपने पवित्र गुरु जी का जन्म मना रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का, जो कि इन्होंने भले काम करके गरीबों को राशन मुहैया करवा के पौधारोपण करके सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का जन्मदिन मना रही है। आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।